हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज योर होस्ट असीम भारद्वाज और स्वागत करता हूं आपको एक और वीडियो में। द करंट सिचुएशन इन थाईलैंड, और आपको पता है इस वीडियो में हम यूजुअली क्या डिस्कस करते हैं, कोविड के केसेस। आपको पता है अभी सोंग करण गया है, तो इसके बाद क्या हालात रह सकते हैं कोविड को लेकर। वेदर के बारे में थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों के ना मुझे कॉमेंट सेक्शन के थ्रू सवाल आ रहे हैं कि क्या आने वाले टाइम के अंदर हमें ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो वेदर है वेट रहता है, बारिशें हो जाती हैं। तो मंथ टू मंथ मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं इस वीडियो के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर। ओके, प्लस कुछ थोड़े से टूरिज्म अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, फटाफट से आपको अपडेट्स देता हूं। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। एक चीज मैं आपको और कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी जो साइट है thewarningman.in उसे अपडेट किया है, तो अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, किसी भी वीजा पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरी साइट के थ्रू देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट एज इन जैसे कि आपको कवर लेटर चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, आपको इन्विटेशन लेटर चाहिए, आपको सब कुछ एक जगह अब आपको मिल जाएगा। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो वो भी मैंने कुछ डाल के रखे अपनी साइट पे, तो जरूर जाके साइट को चेकअप करें। तो चलिए शुरू करता हूं मैं यहां पे कोविड केसेस से। और सबसे पहले मैं जो डेटा आपको दिखाने लगा हूं वो है 9 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल के बीच में। आपको पता सौंकरण भी शुरू हो गया था, ठीक है। तो अभी जो केसेस आ रहे हैं निकल के, जो टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस हैं जिनकी हॉस्पिटलाइजेशन चल रही है, वो है 435 केसेस टोटल। इस पीरियड की बात कर रहा हूं, 435 केसेस जो एवरेज है पर डे की, वो 62 केसेस पर डे की एवरेज बनी हुई है, ठीक है। जो अभी इस पीरियड के अंदर डेथ्स हुई हैं वो टोटल 2 डेथ्स हुई हैं, तो 0 पर डे के हिसाब से एवरेज यहां पे चल रही है। जनवरी से लेके अगर आप अप्रैल तक का डेटा या अप्रैल 15 तक का डेटा अभी तक देखेंगे, तो वो है 5483 केसेस का, ठीक है। और जो टोटल डेथ्स हैं अभी तक वो ही हैं 273 डेथ्स। टेम्प्ररी सर्च देखा जा सकता है, क्योंकि मैं अगर नए वेरिएंट की बात करूँ, आपको पता है कि हाल ही में इंडिया के अंदर भी केसेस जो हैं काफ़ी बड़े हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ XBB.1.16 वेरिएंट की, सब वेरिएंट की, तो यहाँ इंडिया में भी तहलका थोड़ा सा मचा है। दिल्ली में केसेस काफ़ी उठ के आए, गुजरात में आए, मुंबई में आए। तो अभी थाईलैंड के अंदर कुछ लगभग 27 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, और उसमें से सिर्फ एक बंदे की डेथ हुई है जो कि एल्डरली बंदा था, ठीक है, एजेड था। अब जो थाईलैंड की गवर्नमेंट है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो अगर इस सर्च को देखती है, वो टोटल 10,000 केसेस पर डे की ऑन एन एवरेज देखेगी सर्च, जो कि पिछले साल के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम होगी। तो 5,000 से 10,000 के बीच में डेली केसेस आ सकते हैं, आए नहीं हैं। अभी जो मैंने आपको 9 से 15 अप्रैल का डेटा दिखाया है, सौंकरण के पीरियड का है, उसमें कोई ऐसे खास चेंजेस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन अगर केसेस आर एक्सपेक्टेड टू गो अप, तो वो 5,000 या 10,000 के बीच में प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट दे वुड सी अ वेरी स्विफ्ट डिक्लाइन इन नंबर्स, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद डिक्लाइन भी देखा जाएगा इन केसेस के अंदर। तो ये था बेसिकली कोविड केसेस के बारे में। और यहाँ पे अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को सामने रखते हुए जो बूस्टर शॉट्स हैं उन लोगों को, जो लोग वनरेबल हैं बीमारियों को लेके, या ऑलरेडी बीमार हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, या एल्डरली लोग हैं, या प्रेगनेंट वुमेन हैं, और जो पब्लिक हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें टारगेट कर रहे हैं, तो बूस्टर शॉट्स को वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। दैट्स इट, दैट्स अबाउट द कोविड केसेस। इसके अलावा मैं आगे बात करता हूँ आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, वेदर का। अब काफ़ी लोगों को कंसर्न है, वो आने वाले पीरियड में ट्रैवल करने लगे हैं थाईलैंड, और सब कुछ कैसा रहेगा, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं आगे बात करता हूँ जो रेलिवेंट है अभी तक, ठीक है, मई, जून और जुलाई की, और अगस्त की। तो खैर पता ही है, अगस्त जो होता है सबसे ज़्यादा रेनी पीरियड होता है, मतलब इट इज़ द वर्स्ट पीरियड टू ट्रैवल टू थाईलैंड, ठीक है। इतनी ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है थाईलैंड में, देखा जाए आने वाले कुछ महीनों में। लेकिन फिर भी मई में कैसा रहता है, तो वेदर जो है ओवरऑल अच्छा है। जो मिनिमम टेम्परेचर वेरी करता है इस पीरियड में, वो 33 से 34 डिग्री सेल्सियस का होता है, ठीक है। और काफ़ी रीजन्स के अंदर रेनफॉल भी आती है, लेकिन बहुत ही कम होती है बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश देखने को आपको नहीं मिलती है। जब मैंने अपना लास्ट ईयर ट्रैवल किया है, ट्रिप किया, तो मई के अंदर किया था, इनफैक्ट एंड ऑफ मई के अंदर किया था, तो बारिश जो थी सदर्न पार्ट में मुझे ज़्यादा देखने को मिली कंपैरेटिवली नॉर्दर्न में, या सेंट्रल थाईलैंड की बात करें, बैंकॉक में या चेंग माई में, मोस्टली ड्राई था। एक बार दो बार बीच में कहीं बारिश हुई है, अगर जो हुई है, लेकिन हाँ, फुकेट साइड पे सदर्न थाईलैंड में बारिश थी, तो बारिश आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिल सकती जितनी यूजली और आने वाले महीनों में, खासकर अगस्त के अंदर मिलती है आपको देखने को, ठीक है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर जो होते हैं, ये पीरियड वो होते हैं जो आप अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। तो मई का भी मैंने आपको बता दिया, मई में आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब काफ़ी लोग पूछते हैं हम जून में ट्रैवल कर सकते हैं, तो जून का जो टेम्परेचर है वो और थोड़ा गिर जाता है,
ठीक है, ठंडा हो जाता है, कूलर हो जाता है वेदर। तो मतलब 29 से 31 डिग्री ऑन एन एवरेज जो टेम्परेचर है आप सिटीज़ के अंदर देखेंगे। बारिश थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ जाती है लेकिन बहुत शॉर्ट डाउनपोर्स होते हैं, ठीक है। अगर आप देखें पूरे थ्रू आउट द डे बहुत ही छोटी छोटी जैसे बुछार कहते हैं ना, तो इस टाइप की बारिश होती है जून के अंदर। वैसे ये बहुत ही फेवरेबल कंडीशन माना जाता है फॉर डाइविंग, खासकर जो अगर आप सदर्न थाईलैंड में जाते हैं तो कोहताओ के अंदर जैसे एक रीजन है ईस्ट कोस्ट में जो पड़ता है, ईस्ट कोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही फेवरेबल टाइम पीरियड माना जाता है अगर आप डाइविंग का शौक रखते हैं, आपको करना है कुछ, ठीक है। फिर जुलाई के अंदर जो वेदर होता है वो मिक्स होना शुरू हो जाता है, मिक्स होता है वेदर, ठीक है। टेम्परेचर और थोड़ा स्लाइटली गिर जाता है, तो यहाँ पे एक दो डिग्री का फर्क पड़ता नीचे गिरता है, मतलब 28 से 29 डिग्री के बीच में ऑन एन एवरेज यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो वैसे ही मतलब कि शॉर्ट डेली शावर्स जो है आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और लेकिन अगस्त आते आते या मिड ऑफ जुलाई आते आते चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल शुरू हो जाती है। तो जुलाई को डेफिनेटली जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आप अवॉइड कर सकते हैं, इनफैक्ट अक्टूबर में भी ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि नवंबर के बाद एनी हाउ वेदर काफ़ी इंप्रूव कर जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है नवंबर अंटिल फेब, क्योंकि फेब के बाद मार्च अप्रैल में जब सोंगकरण वगैरह आता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, राइट, ह्यूमिड भी होता है गर्मी भी होती है। तो ये पीरियड होते हैं थाईलैंड का, अगर वेदर के बारे में आपने समझना है तो मैंने आपको बता दिया। वैसे इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा कि अगर आपको थाईलैंड में अगर बारिश के टाइम में इन महीनों के टाइम ट्रैवल करना है तो किन किन जगहों पे आपको ट्रैवल करना चाहिए, सूटेबल कंडीशंस क्या होती हैं और क्या अच्छा रहता करने के लिए, ठीक है। तो वो मैं बात करूँगा एक सेपरेट पॉडकास्ट सीरीज़ में। आपको पता है कि मैं इंग्लिश पॉडकास्ट वगैरह भी जो है आजकल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक अ वेरी मच लाइक अ रेडियो प्रोग्राम, ठीक है। तो आप उसे इंग्लिश में देख सकते हैं, वो अलग से पॉडकास्ट सीरीज़ मैं वीकली बेसिस पर रन करता हूँ, तो उसके अंदर मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा, ठीक है, क्योंकि वो इट इज़ मेंट फॉर एवरीवन, इट इज़ फॉर जनरल पब्लिक, इवन फॉर इंडियंस और नॉन इंडियंस, ठीक है। तो इसलिए मैंने कुछ सेक्शन जो है इंग्लिश में रखे हैं, अब पॉडकास्ट वगैरह इंग्लिश में आपको देखने को भी मिलेंगे बीच बीच में, ओके। तो ये मैंने आपको अभी सिंपल लैंग्वेज में सारा कुछ बता दिया है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ टूरिज्म अपडेट्स की, और सबसे बड़ा मेजर अपडेट्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ अर्लियर दिस वीक रिगार्डिंग टूरिज्म टैक्स। तो टूरिज्म टैक्स जो है अब थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया है, ये अब सितंबर से लागू होने के चांसेस हैं बहुत स्ट्रांग, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जब आप थाईलैंड ट्रैवल करेंगे, जब अपनी फ्लाइट टिकट बुक करेंगे, तो आपको 300 थाई बाट का एक ऑप्शन मिलेगा चूज़ करने का, लगभग 750 रुपये या 800 रुपये के आसपास लगभग बन जाएगा ये, और ये आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके बदले में आपको एक मेडिकल कवरेज दी जाती है, एक्सीडेंटल कवरेज, जिसमें कोविड के एक्सपेंसेस कवर नहीं होते। तो इसको टूरिज्म फी को इन्होंने एग्जीक्यूट करना था नेक्स्ट मंथ से, मतलब अप्रैल से ही करना था, और अब अप्रैल से पोस्टपोन करके इन्होंने सितंबर पे डाल दी है बात। क्यों किया है? बिकॉज एक्चुअली क्या है कि अभी इन्हें फिर थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला टूरिज्म में, तो फरवरी से लेके अभी तक अप्रैल तक 15% का डिक्लाइन देखा गया है टूरिज्म के अंदर। और अगर मैं सिर्फ फुकेट की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग मार्च के अंदर क्या थे, कुछ लगभग 11,700 समथिंग लोगों ने पर डे की एवरेज बनी हुई थी लोगों ने ट्रैवल किया फुकेट में, एंड देन अप्रैल के अंदर जो है अभी हाल ही के अंदर जो है काफ़ी डिक्लाइन देखा गया है, 10,000 समथिंग और 10,500 के आसपास टूरिस्ट आए हैं। तो यहाँ पे डिक्लाइन की वजह से इनको अब थोड़ी सी यहाँ पे चिंता हुई है, जिसकी वजह से इन्होंने टूरिज्म टैक्स को आगे डिले कर दिया फर्दर, ठीक है। तो इसके बारे में काफ़ी क्रिटिसिज्म पहले भी था और अभी भी आ रहा है, जितने भी लोग टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हैं खासकर, और होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, एयरलाइंस से जुड़े हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ फॉरेन टूरिस्ट और इंडियन टूरिस्ट और एक्सपैट जो भी है, ठीक है। तो वो लोग इसको बहुत अच्छा मूव नहीं मानते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो काफ़ी लोग मलेशिया से, जो मतलब कि इंडियन से ज़्यादा मलेशियन ट्रैवल करते हैं थाईलैंड के अंदर, और खासकर बाय लैंड बॉर्डर वो ट्रैवल करते हैं प्रोविंसेस के अंदर, और बहुत ही शॉर्ट एक्सकर्शन के लिए आते हैं, एक दिन दो दिन के लिए आते हैं, और बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं लोग। तो एक ये भी कंसर्न बना हुआ है कि अगर ऐसे वो टूरिज्म टैक्स हर किसी पे लगाएंगे तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए कोप अप करने के लिए, राइट, ट्रैवल करने के लिए। तो इस पे टूरिज्म पे और इम्पैक्ट पड़ सकता है और डिक्लाइन वो देख सकते हैं। तो मतलब इन्होंने ये कहा था कि 300 थाई बाट तो वो लोग पे करेंगे जो बाय एयर आएंगे, और जो बाय लैंड आते हैं उनको जो है लगभग कुछ 150 थाई बाट या बाय सी आते हैं उन्हें 150 थाई बाट पे करने पड़ेंगे। तो अभी तक की खुशखबरी यही है, डेवलपमेंट अच्छी यही है कि आगे पोस्टपोन कर दिया है। तो अगर आप हाल ही में अपना ट्रिप प्लान करने लगे हैं तो
ज़रूर जाएं। और आगे आपको जैसे मैं अभी वेदर की बात कर रहा था, तो वैसे भी वेदर यार देखो सितंबर से अगस्त से इनफैक्ट अगस्त सितंबर अक्टूबर में थोड़ा सा ख़राब रहता है वेदर, तो ट्रैवल करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो हो सकता है कि उस टाइम के अंदर यह टूरिज्म टैक्स और पोस्टपोन हो जाए, लेकिन अभी उसके बारे में कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं। अभी वो बहुत मतलब कि एडमेंट है उसको चीज़ को लेकर कि वो टूरिज़म टैक्स इम्पोज करना चाहते हैं, पर सितंबर से होगा। तो कोई भी अपडेट आता नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और तो बस यही था आज की इस द करंट सिचुएशन इन थाईलैंड की वीडियो में। आई होप कि आपको सारी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, सीरीज़ खासकर काफ़ी अच्छी लगती होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें जिसमें थाईलैंड के अपडेट्स भी आपको मिलेंगे और कंट्रीज़ के ऊपर भी टूरिज्म अपडेट्स मिलेंगे। प्लस मेरी साइट को themorningband.in को एक्सप्लोर करना ना भूलें, मैंने चेंजेस कर दिए साइट पर। आपका क्या फीडबैक है ज़रूर मुझे बताएं कॉमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, आई सी यू वंस अगेन, गुड बाय, टेक केयर।